नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहां पर देखेंगे 10 अक्टूबर को दोस्तों जो है सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के, ठीक है, 2022 वाला। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल कब से कब तक था। तो दोस्तों 1296 से आपका 1316 तक था, ठीक है, इस भी है 1296 से 1316। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, 96 याद करना बहुत आसान है, उसके बाद 20 साल जोड़ लेना है, 16 और 4 आपका हो जाएगा 20, यानी 20 साल इसने जो है शासन काल या फिर शासन इसका चला, ठीक है। तो 1296 से 1316। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटक के वर्तमान सीएम, तो जो भी सीएम है या फिर राज्यपाल है कर्नाटक, मतलब यहाँ पर मतलब जो भी आपके राज्य हैं जो वर्तमान में उसके सीएम है और जो राज्यपाल है, इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना रखा है, लास्ट इस वीडियो के लास्ट में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूँ कि कैसे मैंने याद करवाया, कर्नाटक है तो देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, कोई नाटक कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का मैंने ट्रिक बनाया है। तो यहाँ पर जो मैं दूंगा देख लीजिएगा, कोई नाटक कर रहा है तो उसका नाम है राज, तो मैंने क्या कहा, बस राज बंबई जाओगे क्या। ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आरासी ग्रुप डी में, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप डी में जो भी आपका पेपर हुआ उनको देख करके जाइए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो कर्नाटक के वर्तमान सीएम क्या हो जाएंगे, बस राव राज बम्बई, ठीक है। तो बस कर राज बम्बई जाएगा क्या, नाटक करोगे तो फिल्म में चले जाओगे। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रोन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, ड्रोन महोत्सव दोस्तों मनाया गया दिल्ली में, कहाँ पर ड्रोन महोत्सव, दस ए दिल्ली है और दस ए ड्रोन है, तो याद करना बहुत आसान है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉरवर्ड जो है ब्लॉक की स्थापना कब हुई, फॉरवर्ड ब्लॉक की दोस्तों स्थापना हुई है आपका 1939 में, और 22 जून 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 22 जून 1939 को हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे गणगौर नृत्य जो है ये लोक नृत्य कहाँ का है, तो जो गणगौर है ये है राजस्थान का, इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक इसको भी बना रखा है। तो यहाँ पर जिनको अब याद करना होगा राज्यपाल और सीएम, और यहाँ पर इंड स्क्रीन में वीडियो खत्म होने के बाद आपको मैं लोक नृत्य ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने गढ़ गौर है तो मैंने कैसे इसको याद करवाया था, गढ़ को जीत लिया, कौन कहता है, ये राजस्थानी लोग कहते हैं गढ़ को जीत लिया, घर को गढ़, या फिर आप सुने होंगे कोई भी गढ़, चित्तौड़गढ़ सुने होंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ट्रिक के हिसाब से यहाँ पर मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सांची का स्तूप किस राजवंश ने बनाया या फिर किसने बनवाया, तो दोस्तों जो है मौर्य का मतलब राजवंश की बात करेगा तो, और अशोक नाम था सम्राट, सम्राट अशोक जी ने बनवाया है, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, एमपी में है, कहाँ पर है, एमपी सर, याद आ गया एमपी सर। नेक्स्ट बात करेंगे जुआ पर रोक किस राज्य ने लगाया है, तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपको आ जाएगा कर्नाटक, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक दिया था, कर्नाटक हो जाएगा। जुआ व नाटक ओटक यहाँ नहीं चलेगा, कैसे याद करेंगे, जुआ व नाटक ओटक जो है ना यहाँ नहीं चलेगा, जुआ वाला, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द अदर साइड ऑफ साइलेंस इसकी रचना किसने किया, उर्वशी बुटालिया ने किया है, ठीक है, बुटालिया ने क्या जो है किसकी रचना किया है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ठीक है, इसकी रचना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, देखिए सबसे ठंडा जगह, ये ठंडा लिखा हुआ है, ठंडा जगह दोस्तों जो है क्षेत्र कौन सा है भारत का सबसे ठंडा, तो दोस्तों लेह लद्दाख हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में आपका द्रास ऐसे लिखा होगा जम्मू कश्मीर में, दोस्तों आपका लेह लद्दाख ऑप्शन में होगा या फिर ऐसा कुछ ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति पद जो है किस अनुच्छेद में है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर जो है आपका 52 है, कौन सा है, 52 है अनुच्छेद नंबर, इसमें दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट बात करेंगे देखिए शास्त्रीय जो है नृत्य की रचना सॉरी संख्या कितनी है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या, तो देखिए जब नृत्य की बात करेगा तो 8 हो जाएगा, और जब भाषा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा जब बात करेगा 6 हो जाएगा और नृत्य बात करेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया, ठीक है, याद रखेंगे
अगर यहाँ पर भाषा, शास्त्रीय भाषा बोला तो 6 हो जाएगा, ये आपका 2004 से लेकर के 14 तक इनको जो मान्यता मिला है। और यहाँ पर नृत्य की बात करेगा तो आपका 8 हो जाएगा, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और क्षत्रिय, ठीक है, ये 8 हैं नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है, वही मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 2022 का जो बाफ्टा जो है अवार्ड, ये किसे दिया गया? बाफ्टा दोस्तों मतलब यहाँ पर ब्रिटिश की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2022 का जो है बाफ्टा अवार्ड दिया गया, वो आपका विल स्मिथ को मिला। बाफ्टा बस है और बस से बिल भी आप याद कर सकते हैं। विल स्मिथ को दिया गया किंग रिचर्ड के लिए, किसके लिए? किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान में अधिकतम आबादी कहाँ है, या फिर कुछ आबादी के बारे में पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट बात करें आपका सोरो रेई दोस्तों है पिट्टू जो है, ये किस राज्य का नृत्य है? तो सोरो रेई जो पट्टू या फिर पिट्टू जो है, ये नृत्य है तमिलनाडु का। किसका? पिट्टू तमिलनाडु, देखिए डू डू लास्ट में है, पिट्टू तमिलनाडु, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कोरिलेट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कॉलम अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कॉलम को अनहाइड करने के लिए, कॉलम वाला किस में होता है? एक्सेल में होता है ये सब, कॉलम और आपका जो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कॉलम को अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0। तो दोस्तों आपका हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0 जो है, ये किसका हो जाएगा? कॉलम अनहाइड करने का शॉर्टकट की। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि क्वेश्चंस बन कहाँ से रहे हैं, ये तो जीके के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूरे बन जा रहे हैं। इंग्लिश में है दोस्तों आपका आरसी आ रहा है, आरसी से क्वेश्चन बन रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, मतलब यहाँ पैराग्राफ जो दिया रहता है वही, सिंपल भाषा में बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटोनिम्स सिंटोनिम्स, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों एंटोनिम आपका विलोम और साइनोनिम्स मतलब आपका जो है पर्यायवाची। इडियम फ्रेजेस आ रहा है, इडियम फ्रेजेस दोस्तों आपका क्वेश्चन बन रहा है, वन वर्ड दोस्तों बन रहा है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर वन वर्ड एक मतलब एक शब्द जिसको कहते हैं। एक्टिव पैसिव मतलब वाइस से क्वेश्चन आ रहा है एक्टिव पैसिव बनाने का। साथ ही साथ ग्रामेटिकल इरर आ रहा है, इसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी याद आ सकता है और जो है ग्रामर के अनुसार जो मिस्टेक होता है इसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों पूछा जा रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों कौन खाली जगह पे क्या आ रहा है उसको भरना है। क्लोज टेस्ट आ रहा है 5 क्वेश्चन के लगभग, और वोकैब्स क्वेश्चन लगभग आपके 7 क्वेश्चन, जैसे आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, और भी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल आ रहा है, नंबर सीरीज आ रहा है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, इसी में दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ रहा है, जैसे आपका ए है, फिर आपके जो मान लीजिए बी है, सी है, फिर आगे कुछ आपका ऐसे ही आपका जो है यहाँ पर डी ई एफ है, मतलब ऐसे जो अल्फाबेटिकल में सीरीज जो होते हैं इनको देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन आ रहा है आपका, सिलॉग आ रहा है, सिलॉग में दोस्तों मैंने यूपीएसआई लेवल का करा रखा है, बैंकिंग लेवल करा रखा है, तो देखो सीखो स्टडी और सिलॉग लिख लीजिएगा आ जाएगा। कैलेंडर के भी मैंने ट्रिक करा रखे हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है और क्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से बैठक व्यवस्था जो होती है ऊपर नीचे या फिर वृत्त में या फिर जो है आपका ऊपर की तरफ देख रहे हैं नीचे की तरफ देख रहे हैं या फिर आपके लाइनिंग में, तो ये सेटिंग देख लीजिएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है, तो देखो सीखो स्टडी वेन डायग्राम, ये भी यूपीएसआई लेवल का और जो है बैंकिंग लेवल का मैंने करा रखा है। फिगर काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आप कर सकते हैं हमारे चैनल से। नेक्स्ट बात करेंगे मैथ से क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से पोर्शन से आ रहा है, तो एडवांस से 5 क्वेश्चन लगभग में आ रहा है, जैसे आपके शंकु बेलन ये सब जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अर्थमेटिकल में दोस्तों जो है लगभग 10 क्वेश्चन लगभग में आ रहा है, इसी से आप देखेंगे एसआईसीआई से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आसपास परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका शंकु बेलन मैंने बता ही दिया, क्रय विक्रय सिंप्लीफिकेशन, साथ ही साथ दोस्तों जो है आपके यहाँ पर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, और दोस्तों जो है आपके जो बात करेंगे आप जो है एडवांस में क्वेश्चंस जो आपके आते हैं अल्जेब्रा इत्यादि से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपका पूछा जा सकता है। अब तक ये सब बच्चे बताएं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो देखिए दोस्तों 10 अक्टूबर को दोस्तों जो है सेकंड शिफ्ट में जो है 10 अक्टूबर को आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ इंडी स्क्रीन पर जो भी ट्रिक्स आ रहे हैं इनको देख करके जाइए, ये इससे क्वेश्चन फंसने के चांस है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।